सेंटा आंखें बंद करके आया आज यहाँ पे। पापा मेरे साइड हो गए ना फोन, आज बिना फोन के होगी। तुम्हारा फोन है क्या? फोन है किधर? तारक मेहता के बिना नहीं खाया जाता। मत खाओ खाना। एक चार ब्रेड के लिए मैंने क्यों इतना बड़ा सर दर्द अपना लिया? मोल भाई यार, तुम्हारा कम से कम 80 किलो तो होगा वजन है। 80 किलो पागल हो गए हो क्या? आई एम ओनली 49 kg। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेलू। कह रही मेरे से मोटा सेंटा कौन आ गया? Hey guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज संडे है, इस महीने का ये 4th संडे है। और आज जाके मुझे सोने का थोड़ा वो मिला था कि आज मैं सो सकती थी लेट तक, बट कर सकते, नींद अपनी टाइम पे ही खुल जाती है रोज की तरह। 6:24 हो रहा है, मशीन मैंने लगा दी कपड़ों के लिए कि कपड़े धुलते रहे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। बाकी जनाब यहाँ सो रहे हैं, ये देखो। गुड मॉर्निंग। और कल इन्होंने कहा था कि ये मेरी हेल्प करवाएंगे, संडे है ना, तो मैंने कहा बहुत कपड़े धो रहे हैं, इन्होंने कहा मैं हेल्प करवाऊँगा। हेल्प करवाओगे ना, है ना? हेल्प करवाओगे ना कपड़े धोने में मेरी? कल कहा था। मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? और आज क्रिसमस है तो सबको मैरी क्रिसमस। मेरा सेंटा है और मुझे सेंटा सेंटा क्रिसमस क्रिसमस मैरी क्रिसमस। सेंटा आ गया, वो जो 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 मेरी कह पे सर। इधर देखो, अच्छे लग रहे हो, तुसी अच्छे लग रहे हो उसमें भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज है क्रिसमस, तो सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मैरी क्रिसमस। आंखें बंद ही आ रही है आपकी। सेंटा आंखें बंद करके आया आज। वाह वाह वाह, तुम तो सही में काम कर रही है यार। मैं तो सोच रहा था अंदर बैठ के तुम खाली मजाक कर रही हो। गुड, मैं मैगी बनाऊंगा तुम्हारे लिए स्पेशल, एकदम बढ़िया। मक्खन डाल के। तो गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। हो गई है, अभी तक जो भी रहा वो थोड़े से नींद में था, तो मुझे याद थोड़ा कम है, लेकिन अब है संडे और क्रिसमस दोनों एक साथ। दिन है काम का, तो देखो काम मैडम ने कर दिया चालू। और यहाँ मम्मी बुन रही है स्वेटर, वो भी इसमें देख देख के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पापा का चल रहा है अखबार, ये देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर इधर ही बैठा जाएगा। चाय पियेंगे क्या? पापा मैगी नहीं खाते हो ना? मैगी ना। बस अब तुम बनाओगी बाकी पापा के लिए। मैगी से पेट में गड़बड़ हो जाती ना पापा। कौन खाएगा मैदा? मैदा बिल्कुल बेकार है। मैं कह रहा हूँ इससे मैगी मैगी कह रही है। तो यहाँ पे पापा मेरे साइड हो गए, मैगी नहीं बनेगी अब। ना पापा आलू माल ना उबाल नहीं काट के बना, आलू के गुटके बनेंगे। तो भी बदल ही लेता है, लड़के वाली लग रही है। कुछ खाने को ले आना, चटपटा कुरकुरे टाइप्स। ये तुम्हारा अलग ही ड्रामा है यार। आगे देखो। तो निकल गया हूँ मैं बाहर को ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि आज ब्रेड और टोस्ट बनाया जाएगा। मैगी का प्लान हो चुका है कैंसिल, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा है। गुड मॉर्निंग। प्रणाम। ये देखो आपको भी मेरी क्रिसमस। यहाँ चल रहा है काम। मैरी क्रिसमस। ये सेंटा अलग टाइप का कैसा आया भैया? यहाँ देखो मैगी बन रही है। हम सुबह सुबह मैगी का प्लान कैंसिल करके ब्रेड और टोस्ट खाने जा रहे हो, तुम मैगी खा रहे हो। पापा ने बोला मैगी से पेट में खराब हो जाता है मामला, मैदा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, सूप में मैगी डाल दी है। गुड गुड गुड। ये देखो यहाँ बन रहा है सूप और गला हो चुका बिल्कुल चोक। आवाज नहीं निकल रही, दवा वा नहीं ली? चलो गेट वेल सून। अरे देखो भयंकर कैसा कोहरा होने लग गया है और ऐसी ठंडी हवा लग रही है, क्या ही बताया जाए। गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय गाइस। ठीक है फिर, धन्यवाद। ओके सर। ये आइटम आ गया अपना, ब्रेड दूध और मक्खन के साथ कुरकुरे। कितना झाड़ू लगाओगी, कितना पोछा लगाओगी यार तुम? आज मतलब छुट्टी है तो पूरा रगड़ दोगी क्या फर्शों को? इसमें कोई टाइम थोड़ी लगता है, तो एक मिनट लगेगा आलू डालने में। अरे आलू को बाहर उठाना, पहले तुम मक्खन लगा के दे दे ब्रेड यार दो। मक्खन है वहाँ, देखने वाला मक्खन।
इंतजार नहीं हो रहा, बाबा से कह रहे तुम इतना टाइम लगा रहे हो, तुम एक काम करो मुझे पहले ब्रेड ही खिला दो, आलू वालू तुम्हारे होते रहेंगे बाद में। आलू नहीं लेंगे क्या? नहीं, वो सोचते भी बने नहीं थे। बन गया, ओह माय गॉड। अरे आराम से, हो गया हो गया। लग रहा है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा इनकी शक्ल देख के, है नी? भैया हम जिस काम में हाथ डाल देते ना, ये अपने आप अच्छी हो जाती है। इस पर ना नींबू भी डालो, मस्त होगा। अरे हाँ कसम से बता रही हूँ, नींबू इसमें नींबू नहीं चढ़ो ना, वो मेरा नाम बदल देना। यहाँ एक और सदस्य आए हैं अपने भाई का, रात के खाना खाने। कहते हैं आलू के गुटके, आलू गुडुक इनको कहते हैं, आलू गुडुक। हो यहाँ देखो, चट्टे पे चट्टा, चट्टे पे चट्टा लगे जा रहा है, पर ये बनेंगे कब भगवान ही जाने। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे बाप रे, चार चार एक साथ सेक दे रहे हो, मैं खा लूं? और आप? लेडीज फर्स्ट। ओह माय गॉड, ऐसा है क्या? चलो भैया पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी। फोकट का खाना जब किसी आदमी को मिलता है तो ऐसे ही खुश होके जाता है खाने के लिए। जाओ जाओ, का खाना नहीं है, मैंने आपको इतनी मेहनत करके उठाया, आपकी आंखें ऐसे खोलने की, उठो सुबह हो गई है, नाश्ता बना दो, चलो चलो खाओ ठंडा। जैसे दशरथ जी ने दो वचन दिए थे ना, ठंडा हो जाएगा। फोन तो ले आओ, बिना फोन के खाए, बिना फोन के आज, बिना फोन के खाओगे? तुम्हारा फोन है क्या? फोन है किधर? अरे भैया मेरे प्लेट में नहीं जाता यार, आज बिना फोन के खाओ जी खाना, बहुत गंदी आदत हो गई है। जब देखो तारक मेहता के बिना नहीं खाया जाता, मत खाओ खाना, जाओ निकलो यहाँ से, जाओ गो। दादा की टाइप का ड्रामा है, जब देखो खाते टाइम मोबाइल ही चलाना हुआ, बिना मोबाइल देखे खाना नहीं हुआ, ऐसे क्या मतलब हुआ यार ये? थैंक यू, अब अच्छा हो रहा, पहले अच्छा नहीं हो रहा, मैंने वाले बैठ खाए ना, बेमतलब का ड्रामा हो गया। बिग बॉस लड़ाई देखने में आ रहा मजा? यही चाहिए तुम्हें, ये फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ आता है खाने का तो उसका खाने का अलग ही मजा है। तो लेते हैं टेस्ट, उसके बाद देखते हैं आगे क्रिसमस है और क्या क्या प्लानिंग रहती है। थैंक यू यार, बहुत मस्त हो रहा है, टेस्टी। जरूरत नहीं है थैंक यू की, तुम भी रोज बनाती हो, मैंने भी रोज बना दिया, बस बात बराबर, हिसाब बराबर। कैसे काम? मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है तेरे प्यार की निशानी। जल्दी से पूरी रसोई साफ कर दो, ठीक है? एकदम जब रसोई चमक जाएगी फिर मुझे बताना, फिर मैं कुछ और बनाऊंगा, ठीक है? नहीं, सच तो खुद ही बना लेती हूँ। ये देखो ये रसोई का हाल है, मतलब मेरे दिल में ऐसा हो रहा है ना, माय गॉड कैसे ठीक होगा, खुद ही कर लेती। एक चार ब्रेड के लिए मैंने क्यों इतना बड़ा सर दर्द कर लिया। चलो आप मुझे एक बार उठाओ, कैसे उठाओ? बाय गॉड यार, तुम्हारा कम से कम 80 किलो तो होगा वजन, है कितना वेट? 80 किलो पागल हो गए हो क्या? आई एम ओनली 49 kg। हे एवरीवन, तो हम लोग हो गए हैं क्रिसमस के लिए रेडी, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, मार्केट वगैरह घूम के आते हैं। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। चलो अब आपका दूसरा वचन निभाने का टाइम आ गया है प्रभु, कि मुझे घुमाने लेके जाओगे क्रिसमस? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पता नहीं कौन सा। तो हम निकल पड़े हैं आपको एक सेंटा से मिलवाने के लिए, हमारे घर में एक सेंटा है, सेंटा आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारा सेंटा सेंटू, हमारा सेंटू है ना। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, गिफ्ट ले लो, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेलू। कह रही मेरे से मोटा सेंटा कौन आ गया? तो सेंटा के साथ हैप्पी क्रिसमस करके अब हम जा रहे हैं वापस ना सेंटा, बोल दे सेंटा मा, सेंटा मा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हंसराज डेयरी में, क्योंकि आज क्रिसमस में गाजर का हलवा बनाने का प्लान किया है। 2.5 किलो गाजर में कितना लगेगा खोया? ये मुझे नहीं पता, 1 किलो ले लो, 1 किलो ज्यादा थोड़ी लगेगा। दूध में भी तो पकाओगी? अरे तो ज्यादा खोया डाल के अच्छा बनाओगी तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या तुम्हें? हाँ भैया, कितना महंगा हो रहा है खोया, 350 रुपए किलो। मत खाओ फिर, आओ चलो।
हाँ हाँ बढ़िया 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 गुड गुड करो करो भाई। गॉड काम चोरी कोई सीखे तो इनसे सीखे। दो दो गाजर एक साथ कसरे हाथ जब छिलेगा ना तब पता चलेगा जल्दी में। तो देखो 7:47 हो गए हैं। पूरे दिन की बात मैं जो बताऊं कि पहले से जब भी संडे होता था तो हमारा प्लान क्या होता था, कहीं घूमने जाना है, कहीं किसी दोस्तों के साथ प्लान बनता था खाने का पीने का, यहाँ जाने का वहाँ जाने का। और अब देखो पूरा दिन चले गया। करा क्या, पहले कपड़े धुलवाने मदद करवा दो, फिर इसमें मदद करवा दो, फिर उसमें मदद करवा दो, फिर गाजर छिलवा दो, मार्केट ले जा दो, प्रॉमिस दो करे थे एक निभा दो दूसरा निभा दो, बस इसी में पूरा दिन खत्म हो गया। मैंने क्या किया बता पूरे दिन में? मेरे दोस्त ही थे, मैं नहीं जाती थी, मैं कहीं जाती हूँ। अरे यार आपकी इर्द गिर्द में ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या ही है। अब मैं ब्लेम नहीं कर रहा था, मैं खाली पहले और आज का बता रहा था कि क्या कंडीशन हो गया। अब इसको क्या लगा कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ मेरे दोस्त? अरे ब्लेम नहीं कर रहा, जैसे तुम्हारी वैसी मेरी जिंदगी भी है वो मैं ये बता रहा हूँ। अब जाओगी नहीं टूर में, अब देख लो, अब मत कहना टूर में जाने को, मेरी तरफ से तो ना ही है। अब लड़के जाओ मेरी तरफ से बिल्कुल ना, मैंने ना तो ना। तो खाने में है बंद गोभी की सब्जी, अचार, मूली, गाजर, हाफ फ्राई और रोटी। पापा खा चुके हैं, कैसा रहा खाना? हाफ फ्राई कैसा हो रहा था? बढ़िया है, आएगा जाओ। तो चलिए ये था आज का दिन। क्रिसमस वैसे हमारे यहाँ ऐसे मनाते नहीं हैं क्योंकि आजकल ये यूनिवर्सल फेस्टिवल हो चुका है, लगभग सारे फेस्टिवल सब लोग मनाते हैं। तो हमने भी थोड़ा बहुत इसका सेलिब्रेशन किया क्योंकि आजकल बच्चे को सजाना, उनको सेंटा बनाना, बीवी को सेंटा बनाना, कहीं पति को सेंटा बनाना, ये एक प्रथा चल चुकी है। तो इस प्रथा में हमने थोड़े से इंजॉय कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया, वो भी इसलिए क्योंकि आज संडे था। संडे था, सही बात है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस ब्लॉक में पैंट, मिलते हैं कल नए सुबह नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।